हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर उमा शंकर सिंह, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ SBL ड्राफ्ट नंबर 8, यानी कि जो SBL का 8 नंबर ड्राफ्ट होता है, ये जो है कि एलर्जिक राइनाइटिस के लिए आता है, यानी कि जो कि एलर्जी में यूज किया जाता है। जैसे आप छींकते परेशान हो जाते हैं, एलर्जिकल राइनाइटिस होती है, तो उसमें इसको यूज किया जाता है। तो आज मैं इसके बारे में पूरे विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाया करें। और इसको लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिलता रहे और दूसरे लोगों को भी बेनिफिट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जो SBL ड्राफ्ट नंबर 8 है, ये एलर्जिक राइनाइटिस के लिए यूज किया जाता है। जब भी एलर्जी हो जाती है, जब भी आप छींकते परेशान हो जाते हैं, नाक में कलबलाहट होती है, खुजली होती है, कफ आने लगती है, उस कंडीशंस में बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस देता है। साथियों, एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है कि ये एलर्जी में यूज करने वाली है बीमारियों में यूज किया जाता है। साथियों, दुनिया की लगभग 10-30% लोग इससे कहें तो प्रभावित कभी न कभी जरूर हुए होंगे और ठीक हो गए होंगे, उनको पता होगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार इससे परेशान रहते हैं और दवा करते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर शुरू की दवा करते हैं, फिर ठीक होते हैं, ऐसे करके उनको बार बार रिपीट करती रहती है। तो होता क्या है साथियों, जो एलर्जिक होता है, एलर्जिक राइनाइटिस में जो एलर्जेंस होते हैं, इनसे इनकी वजह से जो नाक के अंदर जो नलियां होती हैं, जो सुराख होता है, उसी में सूजन हो जाती है। सूजन हो जाने की वजह से जो आपका छिद्र होता है, जो नोजल ट्रैक होता है, वो सकरा हो जाता है, और आप जब सांस लेते हैं तो आपको दिक्कत परेशानी होने लगती है, इससे आपको समस्या बढ़ती है। साथियों, ऐसा भी देखा जाता है कि इसमें पॉलिप भी बन जाते हैं कभी कभी, यानी छोटे छोटे गिल्टी नुमा जैसे पॉलिप जैसा बन जाता है, तो उसको भी इसमें कहें तो इस तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। साथियों, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसी के परिवार में अगर है तो पारिवारिक भी कभी कभी देखने को मिलता है, या फिर कहें तो किसी केमिकल के प्रभाव से, जैसे आप कहीं काम कर रहे हैं, किसी केमिकल के प्रभाव में बार बार आ रहे हैं तो आपको हो सकता है। परफ्यूम जो आप यूज करते हैं, आपको एलर्जी अगर उससे है तो उससे भी हो सकता है। ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं, ज्यादा ठंडी चीजें खाते हैं, उससे भी आपको समस्या हो सकती है। अगर नमी की जगह पर रहते हैं तो वहां भी ऐसी समस्या हो सकती है। अगर प्रदूषित जगह पर रहते हैं, जहां की हवा वायु जो है प्रदूषित रहती है, तो वहां भी ये समस्या बन सकती है। उसके साथ साथ अगर कहीं पे गैस एरिया में रहते हैं, जैसे कि जहां पे गैस सर्विस सेंटर होते हैं, जहां पे गैस का कहें तो एक एजेंसी होती है, उस तरह की जगह पे रहते हैं और गैस का लीकेज बार बार होता है, तो उससे भी समस्या आपको हो सकती है। और अगर धुआं की जगह पे बार बार रहते हैं, जैसे कोई भट्टी पे काम करते हैं, कोई ऐसी जगह पे जहां पे धुआं आपको बार बार लगता है, तो उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। साथियों, इसका जो लक्षण होता है वो आप जान लीजिए। तो इसका जो लक्षण है, नाक से पानी आना, जैसे नाक से पानी आता है, आप छींक छींक के एकदम परेशान रहते हैं, तो ऐसा जो है कि जो इसको बोलते हैं कि पैराक्सिज्मल होता है, यानी कि झकझोर देने वाली छींक, एकदम आप परेशान हो जाते हैं, एकदम छींकते इतना परेशान हो जाते हैं। साथियों, नाक जाम हो जाती है, यानी कि नाक आपकी बंद हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। साथियों, जो नाक होती है, नाक तालू और फायरिंग्स में खुजली होती है, आप बार बार इसको कल उंगली डाल के या फिर ऊपर से रगड़ते हैं तब कहीं आराम मिलता है, फिर शुरू हो जाती है, यानी इतना ज्यादा आपको दिक्कत होती है। साथियों, इसमें आंखों से पानी भी आने लगते हैं, जो आंख है, आपके आंखों से पानी गिरता है, आप इसको भी रगड़ते हैं, खुजली होने लगती है आंखों में। साथियों, इसमें सूंघने की जो शक्ति होती है वो जो है कि कम हो जाती है, जैसे जो लोग गंध किसी चीज की, उससे सूंघने की क्षमता जो है कम हो जाती है। साथियों, नाक से पानी टपकने लगता है, आप परेशान रहते हैं। SBL का जो 8 नंबर ड्राफ्ट है, एलर्जिकल राइनाइटिस लक्षणों से आराम का असरदार बहुत ही फार्मूला की तरह से SBL कंपनी बनाई है, इसको आप यूज जरूर करें। साथियों, किस स्थिति में यूज करना चाहिए, किन लोगों को यूज करना चाहिए, तो नाक से पानी जाना, अत्यधिक छींक, नाक में खुजली, इरिटेशन हो, आंखों से पानी, नाक बंद हो जाना और सर में दर्द हो, तो आप इसको यूज करें। किस स्थिति में यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी इसको आसानी से यूज कर सकता है। साथियों, जो खुराक की बात करें, तो जो खुराक होता है इसका 10 बूंद होता है, यानी 10 बूंद सुबह में, 10 बूंद दोपहर में, 10 बूंद शाम को
आप 3 टाइम लें। अगर ज्यादा समस्या है, ज्यादा दिक्कत है आप, वो 4 से 5 बार लीजिए। जब आपको आराम मिल जाए तो 3 टाइम करिए आप। अगर और बिल्कुल आप लगता है कि आपको अब ठीक है तो आप सुबह शाम 2 टाइम लीजिए, फिर 1 टाइम करते हुए बंद करना होगा। लेकिन इसके साथ कुछ और मेडिसिन होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और बच्चे की बात करें तो साथियों, जो बच्चों में अगर हो जाता है बाय द वे कभी कभार, तो उनको 5 बूंद देना होता है, यानी उनका डोज 5 बूंद हो जाएगा वयस्क का आधा। साथियों, ये 30 ml की सीसी में आती है, इस तरह की ये जो सीसी है, इस तरह की 30 ml सीसी में आती है। अगर इसके कम्पोजिशन की बात करें तो जो इसका कम्पोजिशन है साथियों, एलियम सीपा मिला हुआ है, सबेडिला मिला हुआ है, यूफ्रेसिया मिली हुई है और सॉलिडा विरगुवारिया मिली हुई है। इतनी मेडिसिन इसमें मिली हुई है जो कि इसको बहुत ही बेहतरीन बना देती है। हाँ साथियों, मौसम के अनुसार, जैसे बरसात का सीजन है, ज्यादा दिक्कत है तो आपको डल का मारा भी लेना चाहिए। और उसके साथ साथ आरटी जो मेडिसिन है, रस्टाक्स जिसे बोलते हैं, उसको भी आप ले सकते हैं। अगर समस्या ऐसी दिक्कत है, सर में दर्द है, तो आप बेलाडोना भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सिम्टम के आधार पे अगर आपका चेहरा तमतमाया हुआ है, लाल है, रेडनेस है, तो आप बेलाडोना यूज करेंगे, बहुत बेहतर रिस्पांस मिलेगा इसके साथ साथ। और आपको आर्सेनिकम एल्बम भी नहीं भूलना चाहिए साथियों, आर्सेनिकम एल्बम भी इसके साथ में कम पावर में 3 टाइम ले सकते हैं, या नहीं तो अगर 200 पावर में लेंगे तो आपको 1 टाइम या फिर सुबह शाम लेंगे, फिर इसके बाद 1 सप्ताह बाद आपको 1 ml सिर्फ सप्ताह में 1 टाइम लेना चाहिए आर्सेनिक को। फिर इसके बाद अगर 10 ml करते हैं तो मंथ में सिर्फ 1 बार लीजिए, यानी 1 खुराक लीजिए और इस दवा का उपयोग करते रहिए। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।